तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं यूट्यूब सुनता हूँ, होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा डी फार्मेसी डी फार्मा कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे कि वो पता है कि HSPT बोर्ड ने जो अपना पेपर कंडक्ट करवा रहा था 6 सेमेस्टर डिप्लोमा एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का, उनका पेपर खत्म हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे को हरियाणा रिलेटिव अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चे को जॉब करना है, बहुत सारे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करना है, प्राइवेट जॉब करना है, बहुत सारे बच्चे को खुद का धंधा, खुद का बिजनेस खोलना है। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, जो HSPT बोर्ड ने पेपर लिया है उनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उसका रिजल्ट आने का चांसेस क्या है, डेट क्या है, और जो रिजल्ट आएगा किस तरह का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, कॉपी किस तरह का चेकिंग हुआ है। तो मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखना, लास्ट में देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करना। तो वीडियो स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैं साफ साफ क्लियर कर दिया था कि HSTS का जो HSBT का जो रिजल्ट है वो कब तक आने का चांसेस है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो जाकर आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उसमें मैं अच्छे से बता रखा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, लेकिन डिप में नहीं बताऊंगा, आपको मैं ओवरऑल दे देता हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो HSBT के पेपर भी कंडक्ट हुए थे, जो पेपर 9 से लेकर 15 अगस्त तक पेपर कंडक्ट हुए थे, 14 अगस्त तक, उनका पेपर ऑलरेडी चेक हो चुका है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। लेकिन आज तक मैं आज दोस्तों 21 अगस्त, तो मैं बता दूं कि जो पेपर 16 से लेकर 20 अगस्त तक लिए गए हैं, इन कॉपी का अभी मूल्यांकन चेक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, अभी आप सब्र रखें, जो 15 से पहले पहले पेपर हुआ था उनका चेकिंग हो चुका है, और चेकिंग एज ए नॉर्मल हुआ है, एज ए सिंपल चेकिंग हुआ है। अगर आपने कॉपी में कर रखा होगा दोस्तों, थोड़ा बहुत भी लिख रखा होगा अराउंड की चीज़ें, आस पड़ोस की चीज़ों, तो आपको 100% सफलता मिलेगी और आप अच्छे नंबर से पास हो गए। जो बच्चे बिगर बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उन्होंने कुछ पेपर में कर रखा होगा, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, मेरा गारंटी है कि आपको अच्छे नंबर से पास किया जाएगा। और जो बच्चे टॉपर हैं उन्हें तो कुछ कहना ही नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे बता रखा है, आप इतना घबराते क्यों हैं, आप इतना पैनिक रहते क्यों हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको रिजल्ट 27-28 के आसपास देखने को मिलेगा, तो जल्दी आपको 27-28 के आसपास ही देखने को मिलेगा, इस मंथ के पहले पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। अभी जो आपके सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुए थे 16 से लेकर 20 तक, उनका मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो इनमें डिले हो रहा है दोस्तों। जैसे ही मूल्यांकन होता है तो रिजल्ट आपका अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर, तो आप इस मंथ के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो भी बच्चे हरियाणा लिट का अप्लाई कर रहे हैं या किसी चीज़ का अप्लाई करने का वेट कर रहे हैं, तो अभी रुक जाओ, अभी डेट बचा है हरियाणा लिट का भी, तो आप थोड़ा देर वेट कर लो थोड़ा दिन, और आप जो प्रिपेयर कर रहे हो लिट का वो प्रिपेयर कंटिन्यू रखो, और आप मज़े में रहो, रिजल्ट आप सभी बच्चे का अच्छा आने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रमोशन बच्चे का रिजल्ट। दोस्तों, आप इतना घबराते क्यों, एक बात बता रहा, जो भी बच्चे का प्रमोशन हुआ है वो बच्चे घबरा क्यों रहे। अभी आपके पास 3 साल है डिप्लोमा करने क्लियर करने का, 3 साल आपके पास समय है, फिर भी आपका ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले बच्चे का, सबसे ज़्यादा बच्चे वही पैनिक ले रहे हैं। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, जो बच्चे प्रमोशन लिए उनका रिजल्ट 15 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा। 10 को भी आ सकता है, 8 सितंबर को भी आ सकता है, 1 सितंबर को भी आ सकता है, या 30 अगस्त को भी आ सकता है। अब घबराए नहीं, आपका रिजल्ट 15 सितंबर से पहले पहले कभी भी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। अभी आपके पास बहुत समय है, अब घर पे रख के 3rd सेमेस्टर का प्रिपेयर करो, और जो रीफार्मेसी के बच्चे हैं जो 4th सेमेस्टर का प्रिपेयर करो। घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूँ, सारा अपडेट दूंगा। अभी जो रियली बताऊं, कॉपी चेक नहीं हुआ है, 16 से लेकर 20 तक पेपर हुए थे, जैसे ही कॉपी चेक होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा, 28-29 तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट के ऊपर। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड बाय बाय।